नमस्कार दर्शक बंधु, मु विजय कुमार दास आज स्वतंत्र आलोचना को आप समस्त स्वागत करुच्छे। आज आम ईरान एवं इजराइल मध्य जो भयंकर युद्ध चली प्रसंग में तीनोटी मुख्य घटना उपरे आलोचना करवा। प्रथम घटनाटी हूँ जे कुर्स फोर्स जे कमांडर जे मुख्य विरोध में सांघातिक अभियोग आभोग आनीजे ईरान सरकार। ईरान सरकार कहते नसरल्लाह जो भाव में मृत्यु घटला से कुर्स फोर्स जी अच्छा कमांडर से दायी। तेणु आज इस्माइल कानी आप चित्र देखु ये इस्माइल कानी को आज जेरा करा जेरा कर आईआरजीसी जो ईरान रिवल्यूशनरी गार्डस कॉर्प्स जी अच्छी से मानकर बड़ बड़ पदाधिकारी माने जेरा करा क्यों विषय रे ना से क्यों परिस्थिति रे काहीकि इजराइल को नसरल्लाह अवस्थिति विषय सूचना देते तेणु ईरान सन्देह कर जे नसरल्लाह जो स्थान थिले से विषय रे सविशेष तथ्य ये इस्माइल कानी इजराइल को जोगे देते तेणु गुप्तचर वृत्ति अभियोग ईरान आज तक जेरा करता खबर आंतर्जातीय गणमाध्यम जे इस्माइल कानी जो समय जेरा चलता से समय से हृदघात शिकार होती तेणु एठार आम गोटे कथा कहीपर जे जी जो गच लगेब सी से फल खाइब तेणु ईरान क्षेत्र में आज यह घटी यहाँ हूँ प्रथम घटना से विषय में विशद भाव में कहि। द्वितीय घटनाटी हूँ हिजबुल्लाह विषय जो हिजबुल्लाह 250 पणबंदी को अक्टोबर 7 तारीख में अपहरण कर निज कब्जा को नहीं गाजापटे गुंफार लुचे सुडंग भितर लुचे से हिजबुल्लाह आज इजराइल आक्रमण भय थर थर हो कंपुची। तार मुख्य नईम कासीम आज कहते जे आम शांति चाहूँ आम युद्ध बंद करने को चाहूँ ट्रिटी हो जहाँफल हिजबुल्लाह जो अल्प किसी बंची जो योद्धा जहाँ को कह योद्धा मान प्राण रक्षा हो पार तेणु परिवर्तित चित्र आसी इजराइल जो मनोभाव आतंकवाद उपर शक्त भाव में प्रहार करने को इजराइल जो निष्पत्ति नहीं विरुद्ध सीधा हो ठिया हो पार ना हिजबुल्लाह आतंकी हमास आतंकी हुथी आतंकी तेणु आम गाजापट्टी दृश्य देखिले के भाव से मटी मिशिगला सब घर द्वार के भाव में सुडंग नष्ट आउे भाव में हजार हजार आतंकी मले वर्तमान नईम कासीम इजराइल सरकार को कहते जे आम कौन से प्रकार शांति चाहूँ आंतर्जातिक कम्युनिटी को जनाऊँच मीडिया माध्यम जे से माने शांति चाहती बहुत हो गला युद्ध आउ दरकार आउ तृतीय प्रसंगटी है जे सतरे कौन ईरान परमाणु बोमा निर्माण क्षमता हासिल करी तेणु से संपर्क आम विशेष भाव आलोचना करवा जे ईरान कौन क्षमता रही परमाणु बोमा निर्माण करने ईरान केते दूर समर्थ ए परमाणु बोमा निर्माण करने तेणु आसतु आम प्रथम जी कुद्स फोर्स मुख्य अच्छा से कहीं गुप्तचर वृत्ति करने अभियोग आज ईरान जेरार सम्मुखीन होती से विषय आलोचना करवा। ईरान सरकार अनुभव करुले कौन सी स्थान में गृह विभीषण अच्छा जीए नसरल्लाह मृत्युपाई दायी कारण नसरल्लाह सबुठ प्रभावी नेता थे प्रभावी आतंकवादी संगठन नेता थे तेणु मिडिल ईस्ट आईरे जो खबर प्रकाश पाई अन्य आंतर्जातिक गणमाध्यम जो खबर प्रकाश पाई से कहुचे इस्माइल कानी एवं तदंत घेरें अच्छा एक खबर आसी जेरा समय हृदघात होली नसरल्लाह जो समय मले पर इस्माइल कानी को सर्वसाधारण देखा मिलून अर्थात ईरान जो सामरिक बाहन अच्छी से मैंने इस्माइल कानी को निज अख्तियार रखी थे कारण पचराउरा चलती। नसरल्लाह मृत्यु पर आक्सीस अफ रेजिस्टेंस भांगी पड़ा से आक्सीस अफ रेजिस्टेंस भांगी पड़ा पर ईरान सरकार यही सन्देह घेर आंकु धरते इस्माइल कानी को तेणु ईरान मासाहद ठार जन्मित कानी जड़े सिया मुसलिम से 1980 मसीह ईरान रिवल्यूशनरी गार्डस कॉर्प्स से इराक विरुद्ध जो युद्ध होता से लड़े करते देखा जे 1997 मसीह जितेबले सोलेमानी जी आमेरिकार रकेट आक्रमण में मृत्युवरण करते सोलेमानी जिते बड़े यार कमांडर थे से समय रे कानी थे तार डेपुटी कमांडर पर 2020 मसीह जितेबले सोलेमानी मृत्यु घटला से इस्माइल कानी पुणी थे कुर्स रकेट ब्रिगेड मुख्य भाव में अवस्थापित हेले आउ यही समय कहुला जे से इज्राएल संपर्क आसी इज्राएल गुप्तचर वृत्ति करने प्रेरित होते तेनालीर काम थिला केमी से आसिले ना मध्य प्राच्य ईरान जो सब सहयोगी राष्ट्र रही तार जो मित्र राष्ट्र रही सहित जोगसूत्र रक्षा करवा
आउ सेमानक भितर समन्वय रक्षा करी हेजबोलार शक्ति वृद्धि करिबा बा ईरानर शक्ति वृद्धि करिबा थिला तांकर काम हुए तो यही समय रे से कौनसी इजराइली मोलक संपर्क रे आसीचंती आउ इजराइल द्वारा प्रलोभित होई परवर्ती समय रे से नसरल्लाहर ठिकणा तांको प्रदान करिचंती। नसरल्लाहर मृत्यु हेबा परे ईरान सरकार शक्त होई इस्माइल कानी को विरुद्ध रे एक्शन नैचंती आउ जहा फळ रे से आज बंदी। तेणु ये थिला गुप्तचर वृत्ति करिबा अभियोग रे इस्माइल कानी किभली भाव में ईरान रे जेरार सम्मुखीन होती। एमें द्वितीय प्रसंग को आसवा द्वितीय प्रसंग रे आहुरी जड़े लोक अच्छा से भाई जन को आप देखिए ना हूँ नईम कासिम। चित्र देखु महान योद्धा हेजबोल्ला को सी पृथ्वीर सबुठ शक्तिशाली योद्धा सामरिक बाहन भाव से गणुंच तेणु तर अवस्था आज एमती हो जाते मीडिया आगे ब्रिफिंग कर शांति प्रस्ताव पर ऑफर दौंस से समय से थर थर हो कंपुंच झाल गमगम हो जाइए गमगम हो झाड़ बोहूर आउे झाल को रुमाल पोछवे लगे मात्र 15 दिन भितर हेजबोल्लार आंट भांगिगला। आपण मैंने देखत जो भाई भाव में इज्राएल सेना आक्रमण कले से बोध हुए हेजबोल्ला प्रस्तुत नाला कि हेजबोल्लार जो मीडिया विंग अच्छी से केवल प्रचार प्रसार में व्यस्त रोला युद्धर कौशल शिखेबार सी से दूर लक्ष्य दे ना तेणु ये कौन है ना इज्राएल सामरिक चिकित्सा पर नईम कासिम स्वर नरमी। नईम कासिम कहते बहुत होगा आम बहुत युद्ध लड़िलु एवं आमको शांति दरकार तेज ये कथा जे हेजबोल्लार अस्त्रशस्त्र जबत हो गाजापट्टी मटी में मिशिजापर लेबानन रे इज्राएल भयंकर आटाक वर्तमान सुधा 1400 लोक मृत्युवरण करने नसरल्ला एवं अन्य मिलिटरी कमांडर मानकर मृत्यु घटिबा पारे हेजबोल्ला को बुद्धि देखा गला। यही बुद्धि आरंभ देखा जाइले कहीं युद्ध होता कारण किंतु बड़ दुखर कथा जो नईम कासिम अच्छा से शांति प्रस्ताव देखते किंतु अक्टोबर 7 तारीख में इज्राएल भितर ये आतंकवादी मैंने जो भाई भाव में आक्रमण करते 1200 पाखापाखी लोकंर संहार करते से विषय से क्षमा प्रार्थना करूना इज्राएल को छाड़ू विश्ववासी पाखे से कहूना जे आम गोटे भूल कम करते बाट जा तेणु एम मनोवृत्ति किभली भाव रही आपने देखु। नईम कासिम इज्राएल जो लोक हत्या कला ता कथा छाड़ू जो पणबंदी मान वर्तमान एम बंदी कर रखिं हेजबोल्ला बंदी कर रखी विषय में से पणबंदी मान मुक्त करना से पणबंदी मान स्वास्थ्य अवस्था किभली अच्छी से विषय में से पणबंदी मान शांति प्रस्ताव आगत हेले से मानको छोड़ा जीवो कि नहीं से प्रस्ताव संपर्क में मध्य नईम कासिम किछि कहि नहांती किंतु गोटाए कथा तांको व्यस्त करुची सेटा होची तांको निजर दुख तांको जोधा मानको ऊपर जेते इजराइल रो मिसाइल प्रहार होची तांको ऊपर जेते बेले इजराइल रो आईडीएफ गुळीगोळा वर्षा करुची जेते बेले से मानकर लाश पडुची सेते बेले नईम कासिम को दुख लागुची। नईम कासिम को अक्टोबर 7 तारिख रे दुख लागिबार थिला अक्टोबर 7 तारिख परे से जनसाधारण को क्षमा प्रार्थना करिबार थिला आउ जो पणबंदी मानक ले जाइछंती निस्वार्थ भाव से छाड़ी देवार थिला तेणु नईम कासिम्र अवस्था आज एमती भय कंपुची। आउ जदि आम ये देखा जे या सिनावार कथा जहाँ मुझक पूर्व भिड में कहती एत प्राण भय घारी से सुड़ंग भितर गाजापट्टी कौन सुड़ंग भितर 25 किलोग्राम जिलेटिन स्टिक कि आरडीएक्स कि अन्य कौन मिलिटरी ग्रेडर एक्सप्लोसिव बैग्रे धरी बुलू आउर से 20 जन पणबंदी को नहीं घूरू तार उद्देश्य रही जदि तापर आक्रमण हुए तेज से 20 जन पणबंदी जीवन नव तेणु आपण मैंने देखूँ जो सामरिक अफिसर मैंने जो आतंकवादी मैंने निजक सर्वशक्ति संपन्न भावती से आज इज्राएल आक्रमण में किभ क्षताक्त होगापर क्षमापाई प्रार्थना करुँचंती। नईम कासिम हेजबोल्लार मुख्य आउ क्षमापाई प्रार्थना करुँचंती यहा सिनावार जदि यहा सिनावार क्षमापाई प्रार्थना करूँ नाते से अबाधरे मुक्त भाव में सुड़ंग भितर विचरण करते 25 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोरक द्रव्य नहीं 20 जन पणबंदी जीवन सहित से खेली न था तेणु ये हेजबोल्लार मुख्य नईम कासिम्र जो शांति कपोत उड़ेबार प्रसंग एवं आम तृतीय प्रसंग को आसवा। तृतीय प्रसंग हूँ अक्टोबर 5 तारिखर ईरान जो परमाणु बोमा परीक्षा करवरे कौन ता परमाणु बोमा परीक्षण थी ना भूकंप थिला ए संपर्क में सठिक रिपोर्ट एपर्यंत आसीना किंतु परमाणु विशेषज्ञ मान जो अच्छा जो वैज्ञानिक मैंने अच्छा से अनुभव करुँच कौन ना कौन स्थान
जे एटा गोटे परमाणु बोमार परीक्षण थिला। कारण ईरान रो जो स्थान परमाणु बोमा परीक्षण कर तार निकटरे थिला ईरान रो परमाणु केन्द्र माटी तले 10 किलोमीटर तले जदि परमाणु बोमा परीक्षा कर तार तीव्रता जेतिकी होबा कथा सेतिकी हेछि। एटा होची विशेषज्ञ मानकर कथा। तबे कोन हेतला आमे देखिबा अक्टोबर 5 तारीख लोकल टाइम होची 10:45 स्थानीय समय 10:45 हठात गोटे भूकंप अनुभूत हला। कोठी अनुभूत हला ना सेमनाज प्रोविंस रो आरादान अंचल रे। तेणु ये आरादान थिला भूकंपर केन्द्र एटी अनुभूत होइतला तीव्रता। आउ ये तीव्रता केवल से आरादान प्रोविंस बा सेमनाज अंचल रे हिंतला से कथा नुहे। एटा ताठारु 110 किलोमीटर दूर रे मध्य अनुभूत होइतला। ताले सतरे कोन ईरान परमाणु बोमा परीक्षा करथिला। तेणु एबे आमे देखिबा परमाणु बोमा निर्माण करबा पई ईरान रो कोन सामर्थ्य रहिछि। निश्चित भाव रे नॉर्थ कोरिया रो जो वैज्ञानिक आउ रूस रो किछि ज्ञान कौशल ईरान सपक्ष रे रहिछि। ईरान से मान ठारु सबुठारु उन्नत धरणर ज्ञान कौशल कौशल आहरण करुछि। तेबे एठी देखिबा जे सीमित समय भितरे ईरान उपरे जो हजार हजार सांक्शन लागिथिला से सांक्शन को जेतेबेले डोनाल्ड ट्रंप हटेइ देले ता पर ठारु ईरान रो साहस बढ़ी जाइथिला। ता पूर्वरु ता पाखरे 6 किलो 700 ग्राम थिला एनरिच्ड यूरानियम बा समृद्ध यूरानियम थिला। वर्तमान 2024 ईरान पाखरे 128 किग्रा समृद्ध यूरानियम रहिछि। जदि ए तथ्य सत्य होइथाय ताले ईरान 3टी परमाणु बोमा निर्माण करबाकु सक्षम। आउ वर्तमान युद्ध परिप्रेक्षीरे जदि आमे देखिबा इजराइल को नष्ट करबा पई ए 3टी परमाणु बोमा हुए त यथेष्ट होइ पारे। तेणु एटा सारा विश्वर उद्वेग बढ़ेछि चिंतार कारण होइछि जे जदि ईरान पाखरे परमाणु बोमा रहिला तार ईरान रो परमाणु ब्लैकमेलिंग केबे बंद हेबो नाही। ईरान तार जो रास्ता रे चिराचरित ढंग रे आज पर्यंत चली आसछि सेही रास्ता रे चलिबो। आउ से सबु बेले इजराइल पछरे लागि रहिबो। किंतु बंधुगण आमर एटी भूलिबार कथा नुहे जे इजराइल मध्य गोटे परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र। जदिओ आज पर्यंत इजराइल केउटी परमाणु बोमा परीक्षा करिछि से केते एनरिच्ड यूरानियम ता पाखरे अछि तार परमाणु गवेषणा संयंत्र केउ स्थान रे अछि से विषय रे एक्नोलेज कराइनि सब स्थान में इजराइल गोटे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बोली तार किसी तथ्य ना रेकर्ड ना ता सत्वे आम कहीपर जे इजराइल पाखे निश्चित भाव में परमाणु क्षमता अच्छी। तेणु इजराइल परमाणु क्षमतार टक्कर में ईरान एवं हुए तो परमाणु बोमा निर्माण करें आईपाई से इजराइल को भयभीत करने चेषा करें। किंतु कथा हो इजराइल को भयभीत करने पूर्व सारा विश्वर जो बड़ बड़ नेता अच्छा इजराइल सबुठ बड़ मित्र आमेरिका जी एवं विरुद्ध युद्ध में ठिया होता जी इजराइल को आगुरी कहला जुम्मे तार तैल कूपगुड़िकर आक्रमण कर कितु तार परमाणु केन्द्र पर आक्रमण करना बर्तमान से मध्य धीरे धीरे ईरान आड़ को ढल्वा देखा जाए ढलुंना साउदी आरब। साउदी आरब जहाँ ईरान समर्थन में ना इजराइल सहित धीरे धीरे विमान चलाचल और अन्य डिप्लोमाटिक टाइअप बढ़ुला साउदी आरब परमाणु बोमा भय ईरान आड़ को ढली थ देखा जा किंतु ए सब प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे जदि कहीं बदली ना से होची इजराइल। इजराइल भावे सीधा काम करे सीधा तुहा को तुहा मिजाइल वर्षा करुची हेजबोल्ला तुहा को तुहा मिजाइल वर्षा करुची ईरान तुहा को तुहा मिजाइल वर्षा करुची हुथी एवं हमास। किंतु ए सब सत्वे इजराइल डरी ना आईडीएफ डरीनी मोसाद डरीनी से गाजापट्टी पर अभियान लेबानन रे आरंभ कर आपण मैंने गत काल जब फुटेज देखिए से फुटेज आम देखा संभव नुहे सिविल इजराइल मिलिटरी ऑफिसर माने स्नाइपर माने सेठारे जो आतंकवादी माने रोचन जो मानक वर्ष वर्ष धरी विभिन्न आतंकवादी कार्यकलाप खोजा चलता रास्ता उपर बीच सड़क उपर मार दौन तेणु ये हूँ से इजराइल। तेणु एटी आपण माने देखिले जे ईरान रो परमाणु क्षमता ताले काहेकि लोग अनुभव करुछि जे ईरान पाखे परमाणु क्षमता अच्छे ना एथिपाई जे अक्टोबर 1 तारीख रे इजराइल उपर गोटे आक्रमण है। अक्टोबर 4 तारीख रे ईरान पुणी धमक देला आउ अक्टोबर 5 तारीख रे भूमिकंप है। तेणु यही घटनाक्रम को जोड़ विश्व समुदाय अनुभव करुचंती कहीं ना कहीं ईरान परमाणु बोमा निर्माण सामर्थ्य हासिल करछि। तबे ईरान पाखे 60% समृद्ध यूरानियम रही एनरिच्ड यूरानियम रही जहाँ मात्र आउ 9% जब सी समृद्ध कर परमाणु बोमा निर्माण उपयोगी हो पार। तेणु दीर्घ दिन धरी आलोचना चली सांक्शन लगी ईरान परमाणु बोमा निर्माण करना एनरिच करने को दिजाव ना किंतु यह सब मिछ कथा। ईरान भितर
तार परमाणु बोमा निर्माण करिवार सामर्थ्य हासिल करिछि। तेणु ईरान रो 6 परमाणु मुख्य केन्द्र रहिछि। आउ जदि आमे देखिबा जे आंतरजातीय कम्युनिटी बा IAEA नजररु तार परमाणु गवेषणा को लुचेइबा पई ईरान रो 2 मुख्य परमाणु केन्द्र रहिछि। से 2 मुख्य परमाणु केन्द्र होउछि फार्दो एवं नातांज। फार्दो एवं नातांज जो परमाणु केन्द्र अछि ताहा माटी तले पाखापाखि 10 किलोमीटर तले तयार होइछि। कारण इजराइल रो बंकर बस्टर बोमा किंबा अमेरिकार मदर अफ ऑल बम्स कौन प्रकार क्षति तार करि परिबे नाही। जदि इजराइल से 2 परमाणु केन्द्र मुख्य परमाणु केन्द्र को जेउठार गवेषणा चलीछि एनरिचमेंट चलीछि ताकु नष्ट करबाक चाहे ताले से माने ईरान को पूरा पंगु करी तार ग्राउंड फोर्सेस ता भितर प्रवेश करी ईरान भितर से परमाणु केन्द्र भितर प्रवेश करी ताकु नष्ट करि परिबे। अन्यथा मिसाइल माड़े ग्राउंड स्ट्राइक रे ताहा कदापि नष्ट हेबो नाही। कारण माटी तले डीप इनसाइड द ग्राउंड माटी तले बहु गभीरता रे ए परमाणु केन्द्र गुड़िक तयारी करा जाइछि। एठारे बंकर बस्टर जो बोमा रहिछि से बोमा एठी काम करिवो नाही। तेणु यही दृष्टि कहा जाउछि जे ईरान अधिक साहस देखाउछि इजराइल विरुद्ध जो युद्ध होउछि। ईरान तार क्षेपणास्त्र शक्ति मध्य परीक्षा करि सारिछि। एबे से केवल परमाणु बोमार भय देखाउछि। तेणु IAEA अन्य पक्ष कौन कही IAEA रे गोटे रिपोर्ट आसी खाली जे ईरान पाखे परमाणु बोमा अच्छे से कथा नुह। IAEA रो रिपोर्ट अनुसार इजराइल पाखे 90 परमाणु बोमा अच्छे। जदि ईरान रो 3 बोमा इजराइल को ध्वंस करने यथेष्ट इजराइल रो 90 परमाणु बोमा साउथ एशिया को पृथ्वी मानचित्र नष्ट कर देवाई यथेष्ट। तेणु दर्शक बंधु एबे समय आसी जाइछि विवेचना करिवार सत्य आउ असत्य भितरे फरक देखिबार आतंकवाद एवं मानववाद भितरे फरक देखिबार आउ जेउ माने आतंकवादी कार्यकलाप माध्यम रे सारा विश्व को डराइबार चेष्टा करुचंती परमाणु शक्ति द्वारा सारा विश्व को डराइबाकु चेष्टा करुचंती सेमानकु किभळी शास्ति दिया जीव एथि पई जनमत जागृत हेबा दरकार। कारण आम पाखरे परमाणु शक्ति संपन्न सेमतिया गोटे देश अछि जे आतंकवादर क्रेडल बोली कहा जाई पारे से मध्य से ही परमाणु बोमार आमको धमक देखाउथिला आउ आजि से नीरव होइ जाइछि। तो दर्शक बंधु ये आलोचना को आज आम एइठ रखुचे आपण माने मतामत निज तले थिबा कमेंट बॉक्स रे लिखिकि जणांतु। आउ एक मजेदार एपिसोड आपण सामना को आणिबि सेतबेळ पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।